पंकजानंद मिश्रा जी ने लिखा है, परम पूज्य हृदयस्थ श्री अनंत श्री जी प्रणाम। आप प्रश्नोत्तर में जीवन की परिधि की बातों को कितनी सहजता से केंद्र से जोड़ते चलते हैं, सुनते हुए हम सहज ही भीतर डूब जाते हैं। आप अमृत बरसा रहे हैं, हम धन्य हैं। लोग अगर उस आनंद को अनुभव कर पा रहे हैं तो ये सचमुच में धन्यता का विषय तो है। अस्तित्व की यही लीला है कि ये ऐसा ही हो तो ऐसा हो रहा है। मेरा सारा जो काम है, जो अस्तित्व ने मुझे ऐसा लगता है जाने अनजाने अलर्ट कर दिया है, वह है चीज़ों को आत्यंतिक रूप से सरल बना देना। बना देना नहीं, वो है तो ऑलरेडी उतनी ही सिंपल, बीच में उनको जटिलता मिल गई तो अब उनको फिर से सरलता मिल जाए। केंद्र और परिधि के बीच का विभाजन मिट जाए, संसार और अध्यात्म के, संसार और निर्वाण के बीच का विभाजन खत्म हो जाए, लोग उस सहजता को देख पाए, तो इससे जो समरसता आएगी वो अतुलनीय होनी ही है। और अब जीवन की मांग भी यही है, ये जो भविष्य हमारे सामने फैला हुआ है उसकी मांग ही यही है कि जीवन को सरलतम और सर्वोत्तम ढंग से जिया जाए। लोग सरलतम हो, सर्वोत्तम हो। ज्ञान जटिलता के जो पैकिंग है उससे निकलकर पानी जैसा सरल हो जाए। कभी ऐसा भारत में रहा होगा मैं समझता हूँ, ज्ञान पानी जैसा सरल हमारे सामने बह रहा होगा। आज उसी की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग आमने सामने, इसीलिए ये परिस्थिति है।